Michael! जहाँ बिल्ली आ गई थी लेकिन बच बचा हो गया, बिल्ली ने दूध नहीं दिया, बुड्ढा हो गया, आगे से मोटा है डंडा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं उड़ गया हूँ और मैंने एक दिन का व्लॉग भी स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं था बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम बिजी जा रहा है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था घर पर शादी भी है, कुछ घर के काम, कुछ बस इधर उधर लगे हुए थे, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने कहा चलो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमको से उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो जिस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे। आप लोगों को पता है बेल बटन दबाने का मतलब ये है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा ब्लॉग अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का ये है ब्लॉग छोटा सा कि अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये काम क्योंकि इस कमरे को हमने कर देना है फ्री। क्यों यहाँ पे हमने लगा देना है ये डंडा वेल्ड करके यहाँ पे, इसलिए कि जो भी हमारे जो मतलब कि चीज़ें होंगी वो इसमें मतलब कि हम लोग लगा देंगे अपनी, ठीक है ना। क्योंकि इस रूम में अब कोई भी नहीं सोता, दूसरा रूम हम लोगों ने अपने लिए रेडी कर लिया, वहाँ पे हम लोग सोते हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी नहीं सोएगा क्योंकि इस रूम को अब हमने कर देना सेपरेट बिल्कुल। तो ये मुकद्दस का रूम है दरअसल, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये डंडा कैसे लगाते हैं क्योंकि लाइट चली गई थी, तो अब लाइट आती है जैसे ही तो फिर ये हम लगाते हैं। मेरे बच्चे भी आ गए पढ़ने, वो भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत उनको टाइम दे देता हूँ, उनको पढ़ा देता हूँ। और ये है कि अच्छा मैंने आप लोगों को ये बताना है यार, आज मैं उठा तो ना बिल्ली आ गई बात इधर किचन में, बिल्ली आ गई किचन के अंदर, तो अचानक से ना वो टपके भाग गई, मतलब कि ना दूध के ऊपर से भाग गई। उसे शुक्र दूध को बचा दिया, दूध को बचा दिया उसने। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मतलब शुक्र है कि दूध बच गया, तो ना वरना आज हमारा दूध सारा जाया हो जाएगा था। बिल्ली रोज आ जाती है, वो अब पता नहीं इसके नीचे है कि नहीं, क्योंकि ना वो इधर ही इधर जगहों में घूमती रहती है। अच्छा चलो इसमें इधर बाहर जाके देख। जहाँ बिल्ली आ गई थी लेकिन बच बचा हो गया, बिल्ली ने दूध नहीं दिया, बच गया। ये जो था ये नीचे गिर गया था और बस यही चीज़ गिरी थी, शुक्र है कि दूध बच गया। बाकी नीचे था ये सारा कुछ ढका हुआ था, तो ये है कि दूध बच गया। तो हमने चाय शाय पी ली थी, गैस ही नहीं आ रहा, क्या करें। बर्फबारी लाहौल मुकद्दस को देखा था। चेक करो सारी जमीन वो हो गई हमारी बर्फ वाली, स्लोमो बना है माशाल्लाह का, इतना अच्छा बर्फ का व्यू आ रहा है यहाँ पे। अगर थोड़ी देर और ज़्यादा पड़ती ना तो यकीन करो यहाँ पे पूरा मरी वाला माहौल बन जाना था पूरा पूरा। लेकिन ये है कि चलो शुक्र है कि थोड़ी बहुत पड़ी तो सही, लेकिन जब से बर्फ़ पड़ी है दोबारा से ठंड लग रहा है बड़ी। खत्म भी हो गए बस इतनी बात थी। नहीं अभी होंगे हैं थोड़े थोड़े रहने दो, क्या करना है फिर रोले पड़ रहे, चेक करें ये गिरेंगे अभी। हेलो ना करके ये वही है
हमारे लिए लेके आया है चाय। इसको भी किताब दे सलमान, ये भी पढ़ेगा। पीछे इसलिए किसी से वादा किया था कि मैं पढ़ूंगा। आप ही से, आप ही कौन है? कौन? तो तेरे मोबाइल में मैसेज आया था, पढ़ा करो। हाँ इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं। कौन कौन है आप ही? वो मुझे पता कौन है। वो सामने आसिया के घर नहीं आती, आसिया के क्लिनिक में, आसिया जी के नहीं, आसिया जी के क्लिनिक में आती है वो स्कार्फ वाली आंटी। हाँ। वो चीली नहीं आती, इससे इंग्लिश ठोक के जाती है और इसको कहती है पढ़ा कर। सुना जरा मैसेज आके इधर। मुकद्दस के पेपर हो रहे हैं और ये पेपर कर रही है और हानिया के पेपर नहीं हो रहे। हानिया चुपेड़े खाएगी। हानिया गया देखा। अस्सलामुअलैकुम जान भाई। यस थैंक यू सो मच आपकी हेल्प का। एंड मामा बेहतर है। हेल्प क्या की थी तुमने? बहुत थैंक यू, आपने मेरे से पूछा। और आपने स्टडी भी करनी है, कुछ पढ़ भी लें। मैं आप ही बोल रही हूँ। जी जी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तेरा कौन सा पेपर है? उर्दू। और महानिया तेरा? मैथ। इधर आ, मैं मैथ करूं तुझे। आ गया, आ गया। उर्दू के पता कितने? बच्चों आप कैसे हो? बच्चों आप लोगों का कौन कौन से पेपर है? ओह सॉरी, आप लोगों के तो फाइनल पेपर हो गए। आपका टेस्ट कैसा है? तैयारी है? और आपकी आईमा? अभी भी कर रही हूँ। कर रही हूँ। मैथ के सवाल आ गए तुम्हें? देख लो आ गए। और अब्दुल्ला तुम्हारा? मैं ये मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह लाइक स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं। और ये थोड़ा बहुत निकम्मा है लेकिन अच्छा स्टूडेंट है ये भी। आप कुछ कहना चाहेंगे सलमान? नहीं, मैं कहना चाहूंगी इसके बारे में। क्या कहोगे? घर में एक दफा भी इसने बैग नहीं खोला। क्यों? आपने खोला? हाँ, खोला था। बस ना आईमा, वो तुमने उसको, इसने बोला वो आपको बोल रहा है, वो आपसे बड़ा है कि छोटा है? अच्छा तो सलमान ये खोलती है बैग के? नहीं खोलती। नहीं। इनमें, इन तीनों में से सलमान कौन पढ़ता है घर में? अहमद। ओहो अहमद भाई, मैं पढ़ती हूँ, झूठ बोल रहा है। इसको क्या पता इसने बैग खोला? ये नहीं खोलता। ऐसे बोलते भाई है बड़ा? मैं भी तो भाई कह रही हूँ, ये नहीं खोलता। ऐसा नहीं बोलते, खोलते हैं। अच्छा अब्दुल्ला पढ़ता है घर में? अब्दुल्ला पढ़ता है लेकिन कम। अब्दुल्ला तुझे गुस्से से देख रहा है, तुझे कुटेगा पकड़ के वो। अब्दुल्ला अब तुम बताओ इन तीनों में से कौन पढ़ता है घर में, सच सच बताना। ये दोनों पढ़ते हैं। और सलमान भाई? सलमान भी पढ़ लेते हैं लेकिन कभी कभार। मैं काम उतारना तो देखा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज ना कर दो, अभी अभी व्लॉग अभी स्टार्ट ही है, अभी अल्लाह हाफिज नहीं करना। पढ़ो आप लोग ठीक है। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे कमेंट में लोग पूछते हैं आप बच्चों को भी पढ़ाते हो? हाँ जी बच्चों को पढ़ाते हो। ये मेरे भाई हैं सारे, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, बस यही बच्चे हैं। और ये तो आप लोग इसको जानते ही हो। और ये बांग्लादेश से आई है, इसके बाल चेक करो। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रही, तो बोल क्या रही है? मुंता का है? मुंता मुंता का है? मुंता एक मछली पानी में गई, छपा दो मछली पानी में गई। डंडा ही नहीं लग रहा है यहाँ पे पूरा, ये मोटा है। शादी के चक्कर में पागल हो गया, ये मोटा है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहिल क्या कर रहा है? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता? दांत इंसान
इंसान का बच्चा नहीं बनेगा? डंडा भी रख सकता है। पानी पी लिया, दिखाओ पानी दिखाओ। खत्म हो गया, अम्मी और डाल कर दिया। डालो तो सही, कतरा डाला। बहुत तेज हो रहा है। चली पिएगी क्या? पकड़। क्या हुआ? क्या हुआ? और डाल लो। इधर ही पड़ा बता। क्या छोड़ेगी तो नहीं? टूट जाएगा डंडा अगर तूने छोड़ा तो। ठीक है, पकड़ के ला। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। डंडा पकड़ के खड़ी हो। साइड में जा, साइड में जा, साइड में जा। अब पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। डाल ले ली है। ये देखो जी, यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग का एंड। आप लोगों को जैसे कि पता है कि बर्फबारी हुई थी, मतलब कि इतने ज़्यादा ओले पड़े, इतने ज़्यादा ओले पड़े कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ, लाहौर में हर जगह ओले पड़े हैं, लेकिन सारे इतना खुश हुए। लेकिन ये था कि ओले जब पड़ रहे थे ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से टिंडों में लग रहे थे ना, कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ठा ठा करके बज रहे थे, है ना बच्चों? आप लोगों ने देखा था ना। तो यहाँ पे ये है कि हम लोग अपना व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो दूसरा व्लॉग जो है हम लोग जल्दी से अपलोडिंग करें। पहला व्लॉग ये अपलोड होगा, दूसरा दूसरा होगा। मैंने बनाने लगा था आलू वाली रोटी, लेकिन वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।